आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो हल्ला बोल में जोरदार बहस। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई सही, राहुल सोनिया पर गलत कैसे, ये सवाल उठाया है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। उन्होंने हल्ला बोल में क्या कहा, खुद सुनिए। भ्रष्टाचार की कोई जननी है, क्राइम मास्टर गोगो कोई है, गरीब का रुपया लूटूंगा, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। सबसे पहले क्यों, भारत की राजनीति में एक परिवार के तीन सदस्य बेल पर बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पर, कांग्रेस पार्टी, नंबर वन सोनिया गांधी, नंबर टू राहुल गांधी, तीसरा रॉबर्ट वाड्रा। दूसरा, ये वो कांग्रेस है दोगली। आप देखिए, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, कांग्रेस पार्टी कहती है बहुत अच्छा किया ईडी सीबीआई ने, ये ठीक था, लेकिन जब पूछताछ हुई राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, तो कहते हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये सत्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कल दो बड़ी बातें कही? उन्होंने कहा कि कोई वीवीआईपी कल्चर चलेगा नहीं, अलग कानून नहीं होगा अगर भ्रष्टाचारी नेता हो तुम, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम नहीं समझते कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर तुम्हारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, जनता तुम्हारे लिए वोट नहीं कर रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, जनता के बीच में जाओ, ठीक है। और इसीलिए मेरा पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से यही है, आप ये बताइए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो तो सही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी पे हो गलत है, ये कैसे मापदंड है? या तो सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, या नहीं कर रही है।